सो गाइस नमस्कार, आज के वीडियो के अंदर आप लोग के बीच में दोस्तों दो प्रोजेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। नंबर वन पे आपके बीच में दोस्तों ओबर प्रोटोकॉल को लेकर बात करने वाला हूं। सेकंड केवाईसी के अंदर इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है? फर्स्ट केवाईसी काफी लोगों का कंप्लीट हो चुका है। जिन लोगों ने केवाईसी कंप्लीट किया है वो तो काफी ज्यादा खुश है, लेकिन सेकंड राउंड के अंदर जिन लोगों ने केवाईसी कंप्लीट नहीं किया है वो लोग तो दोस्तों कोई भी बंदा खुश नहीं है दोस्तों, ठीक है। काफी लोग तो यहां तक इस प्रोजेक्ट को स्कैम बोलना स्टार्ट कर दिए दोस्तों, ठीक है। क्या ये प्रोजेक्ट स्कैम है? इसके साथ साथ काफी लोगों ने यह भी बोल दिया कि सबसे पहले इसकी लिस्टिंग होगी या इसका खुद का मेनेट लॉन्च होगा दोस्तों, ठीक है। इसके बारे में भी बात करेंगे। लेट क्यों हो रहा है मार्केट के अंदर, डिले क्यों हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं। जो सेकंड प्रोजेक्ट है उसका नाम है ओपन ईएक्स दोस्तों, ठीक है। ओपन ईएक्स को भी लेकर यही अपडेट मार्केट के अंदर आ रहा है। काफी जो छोटे यूजर है, जो न्यू यूजर है, वो एक ही बात बोल रहे हैं कि सर ओपन ईएक्स हम लोगों के साथ स्कैम करेगा इस बार दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बता दूं वाकई में स्कैम करेगा कि नहीं करेगा, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और लोगों ने बोल दिया सबसे पहले सर इसकी लिस्टिंग होगी या खुद का मेनेट सबसे पहले आएगा, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज का जो वीडियो होने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा उमेश क्रिप्टो एक्सपर्ट का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको इंस्टेंट जाके ज्वाइन करिएगा। इनकी तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आता है सबसे पहले मैं आपके बीच में शेयर करता हूं दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपके बीच में बात करने वाला हूं ओबर प्रोटोकॉल को लेकर। 2 से 3 दिन पहले एक जबरदस्त अपडेट मार्केट के अंदर आ चुका था दोस्तों, ठीक है। यहां पर इन लोगों ने एक अलर्ट भी जारी किया दोस्तों, यहां पर देख पाएंगे मतलब स्कैम ट्विटर पेज यहां पर लॉन्च किया गया, यहां पर देख पाएंगे ओबर प्रोटोकॉल की तरफ से। और आप लोगों के बीच में दोस्तों इन्वेस्ट करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे ट्विटर पेज से थोड़ा सा बच करें, नहीं तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपके साथ भी स्कैम हो सकता है। अगर कोई बंदा आपसे लिंक मांगता है, यदि आपसे कोई बंदा मतलब 500, 2000, 3000 USDT भी अगर मांगता है तो कोई भी बंदा वहां शेयर नहीं करेगा, पहली बात नोट करो। नहीं तो आने वाले टाइम में दोस्तों आपके साथ स्कैम हो सकता है। यह जितना भी प्रोजेक्ट आपके बीच में शेयर कर रहा हूं ये सब जेन्युइन प्रोजेक्ट है, और ये जेन्युइन प्रोजेक्ट आपसे कभी टोकन या यूएसडीटी पे या सेल बाय करने के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो एक चीज नोट करके रखिएगा हमेशा दोस्तों, ठीक है। सेकंड आपके बीच में यहां पर देख पाएंगे 14 जून को एक जबरदस्त अपडेट आया है दोस्तों केवाईसी को लेकर, सिविल डिरेक्शन को लेकर यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। डिले ऑफ द न्यू राउंड ऑफ सिविल डिरेक्शन, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ठीक है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। यहां पर दे दिया वी आर करेंटली डिस्क्यूज विद अ न्यू एक्सचेंज, यहां पर नीचे दिया हैव बीन एक्साइटेड एज अ रिजल्ट विल बी मेकिंग अनाउंस नेक्स्ट वीक, इसका मतलब क्या है, इनका कहने का मतलब क्या है। ये लोग बता रहे हैं भैया आप लोग केवाईसी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटिंग है और हम लोग भी एक्साइटिंग है, तो ये लोग साफ साफ बता रहे हैं भैया जो सेकंड राउंड की केवाईसी आने वाली है दोस्तों नेक्स्ट वीक में आने वाली है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट वीक तो बीत चुका है लेकिन अभी भी केवाईसी का कोई इंफॉर्मेशन इनकी तरफ से कोई अपडेट आपको देखने को नहीं मिला दोस्तों, ठीक है। तो काफी लोग बता रहे हैं कि सर ये जो बात बोल रहे हैं अपनी जबान पे नहीं चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। देखो इस दुनिया के अंदर दो ही चीज चलता है, एक जबान चलता है एक कम्युनिटी चलती है दोस्तों, ठीक है। कम्युनिटी जबान के बेस पर ही चलता है, जो टाइम आपने दिया है किसी भी कारण पर किसी भी कोई भी परिस्थिति आपके बीच में आ जाए सबसे पहले वो आपका करवाना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक हफ्ते का टाइम बीत चुका है अभी भी ओबर प्रोटोकॉल वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया दोस्तों इसके थ्रू दोस्तों, ठीक है। हो सकता है भैया 2-4 दिन के अंदर आपके बीच में सेकंड राउंड की जो केवाईसी है आने वाली हो या आ जाए दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपको थोड़ा सा वेट करना दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले लोगों ने पूछा कि सर इसकी लिस्टिंग होगी या मेनेट आएगा, सबसे पहले मैं आपको बता देने वाला हूं इसका मेनेट पूरी तरीके से लॉन्च होगा तभी दोस्तों जाकर यहां पर लिस्टिंग होने वाली है दोस्तों, एक बात दिमाग में सेट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो ओबर प्रोटोकॉल की तरफ से आपको जो भी अपडेट है मैंने आपके बीच में शेयर कर दिया। और जो सेकंड केवाईसी सेकंड राउंड का होगा दोस्तों वो होगा जो इंडिया के अंदर एक्सचेंज चल रहा होगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इजी तरीके से आप वहां पर केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे, केवाईसी कंप्लीट करने के बाद दोस्तों ओबर प्रोटोकॉल के साथ जाकर इस टोकन को ऐड कर पाएंगे, ठीक ना। यानी मतलब जो एक्सचेंज होगा दोस्तों उसके साथ लिंक कर पाएंगे ओबर प्रोटोकॉल के वैलेट को दोस्तों, ठीक है, ताकि आराम से एक क्लिक में दोस्तों अपने टोकन जितने भी टोकन आपने बनाया है वो सारा का सारा दोस्तों किसके अंदर सेट कर पाएंगे, यानी एक्सचेंज के अंदर सेंड करके और आराम से विड्रॉल कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब इसको लेकर इतना डिले क्यों हो रहा है, रीजन क्या, मैं आपको बता देने वाला हूं, क्योंकि यहां पर इस समय अभी मार्केट की कंडीशन बहुत ही बेकार चल रही है। अगर बाय द वे किसी कारण बस इस समय कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाता है तो गारंटी आपको बताऊंगा जो एक्सपेक्ट आप लोग करें कि आने वाले टाइम में $1 जा सकता है, $2 जा सकता है, $3 प्राइस जा सकती है, गारंटी आपको बताऊंगा बहुत ही कम प्राइस रहेगी दोस्तों। क्योंकि देखो जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना तो वो टाइम का वेट करता है, इंतजार करता है सही समय का कि जैसे सही समय आएगा बुल मार्केट का आएगा, अच्छी मार्केट आएगी जहां पर बिटकॉइन का रेट पंप किया रहेगा उस टाइम ये लिस्ट करेंगे यानी लॉन्च करेंगे, तो आने वाले टाइम में बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। तो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से अपने टोकन को लॉन्च करेंगे तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं बोलना
रहा है कि सर ये स्कैम प्रोजेक्ट है, बिल्कुल नहीं दोस्तों, ठीक है, आपको थोड़ा सा इंतजार करना है। इतना ज्यादा आप लोगों ने मेहनत कर लिया, दो चार पांच महीना और भी आप वेट कर सकते हैं। दो चार पांच महीना वेट करने के बाद अगर बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा तो कैसा रहेगा दोस्तों, ठीक है, बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, ये प्रोजेक्ट स्कैम नहीं है, लीगल प्रोजेक्ट है, आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, नहीं तो आने वाले टाइम में फंसताओगे। अगर किसी कारण बस आपने इस एप्लीकेशन को डिलीट कर दिया, हो सकता है दोबारा ये एप्लीकेशन रिकवरी भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपको वेट करना है, ये प्रोजेक्ट स्कैम नहीं है, बढ़िया प्रोजेक्ट है और आने वाले टाइम में बढ़िया प्रॉफिट आपको बना के दे सकता है। मार्केट के कंडीशन के हिसाब से ये टोकन को लिस्ट करेंगे, अगर बिटकॉइन की जो प्राइस पंप करेगी उस हिसाब से ये टोकन को लिस्ट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। सेकंड आप लोगों के बीच में दोस्तों ओपन ईएक्स की तरफ से जो कुछ गुड न्यूज मार्केट के अंदर आया दोस्तों, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। ओपन ईएक्स की तरफ से क्या अपडेट मार्केट के अंदर आ चुका है दोस्तों, ठीक ना, यहां पर देख पाएंगे। ऑलरेडी मैंने ओपन ईएक्स डाल दिया है और जैसे ओपन ईएक्स डालूंगा तो यहां पर ओपन ईएक्स खुलकर आ जाएगा, यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब ओपन ईएक्स को भी लेकर ये जबरदस्त अपडेट मार्केट के अंदर ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, ओपन ईएक्स का मेनेट कब लॉन्च होगा, सबसे पहले मेनेट लॉन्च होगा या लिस्टिंग होगा। देखो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं, ओपन ईएक्स के ऊपर यदि आप चले जाएंगे दोस्तों, ठीक ना, यहां पर देख पाएंगे मैं आ चुका हूं, यहां पर दो दो तीन तीन मिनट लॉन्च हो चुका है, बोट मिनट लॉन्च हो चुका है, सेकंड आपको कोर मिनट लॉन्च हो चुका है, लॉन्ग टेस्टनेट, लेकिन यहां पर अभी ओपन ईएक्स का मिनट बिल्कुल भी लॉन्च नहीं हुआ है, ओईएक्स का यहां पर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। मैं तो आपको साफ साफ बताऊंगा दोस्तों, सबसे पहले इसका खुद का मेनेट लॉन्च होगा, फिर इसके मेनेट पर ये टोकन लिस्ट होगा, टोकन लिस्ट होगा, सेल कहां करेंगे भाई जब तक मेनेट ही लॉन्च नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले ये बता रहे हैं हम अपने खुद के एक्सचेंज पे लिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद किसी दूसरे एक्सचेंज पे लिस्ट करने वाले दोस्तों, ठीक है, और टीयर वन के एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट करेंगे। तो जैसे टॉप वन एक्सचेंज में कौन आता है, बाइनेंस नंबर पे वन पे आता है, सेकंड बायबिट, थर्ड कुकॉइन हुआ, फोर्थ एमएक्स ग्लोबल हुआ, ये जितने भी एक्सचेंज आपको बता रहा हूं टीयर वन एक्सचेंज के अंदर आते हैं दोस्तों, टॉप टेन एक्सचेंज के अंदर आते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इन सभी एक्सचेंज पे ये टोकन लिस्ट हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपके बीच में बात करूंगा, इसका मेनेट लॉन्च होगा, फिर जाकर दोस्तों आगे आपको बताऊंगा इसकी लिस्टिंग होने वाली है दोस्तों, ठीक है। लिस्टिंग किस किस एक्सचेंज पे हो सकती है, अनुमानता मैंने आपके बीच में टारगेट दे दिया, ये जितना भी एक्सचेंज बताऊं इनमें से दो चार एक्सचेंज पे तो आराम से होगी दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ ओकेएक्स एक्सचेंज भी आप नोट कर लो दोस्तों, ठीक है। अब इसकी भी लिस्टिंग इतना ज्यादा डिले क्यों हो रही है, मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बिटकॉइन का रेट पंप करेगा, जैसे सारी के सारी कॉइन पंप की तरफ बढ़ेंगे, ऑटोमेटिक दोस्तों ये टोकन को लिस्ट करेंगे। जहां पर $1 प्राइस जानी चाहिए थे दोस्तों, वहां पर $2 $3 आराम से प्राइस जा सकती है, ठीक ना, बात को समझो। लेकिन इसके $2 $3 प्राइस नहीं जाएगी, जैसे एक अनुमान तो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर मान लो ₹1 प्राइस जाने वाली थी, अब दोस्तों मार्केट अगर ठीक ठाक रहा तो उस समय ₹10 भी प्राइस जा सकती है, ठीक ना। जैसे कोर के टाइम पे क्या हुआ, कोर को लेकर बहुत काफी ज्यादा डिले किया गया, और जैसे इन लोगों ने मार्केट को देखा ठीक ठाक मार्केट है, उस टाइम अगर टोकन को लिस्ट करेंगे तो कोई गधा भी व्यक्ति होता उस टाइम उड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक ना। एकदम सेम कंडीशन आपको बताने वाला हूं टोकन क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी होता है। अगर मार्केट बुलिश है उस टाइम अगर लिस्ट करेंगे तो मार्केट की वैल्यू ₹1 अगर रहेगी ना तो मार्केट में ऑटोमेटिक ₹10 वैल्यू बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको यह कभी नहीं बोलना कि सर ये स्कैम प्रोजेक्ट है, रियल प्रोजेक्ट है। और जिन लोगों ने यहां पर सतोशी कोर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जाकर पार्टिसिपेट करो, नहीं तो आने वाले टाइम में पछताओगे। साथ ही साथ उमेश क्रिप्टो एक्सपर्ट का जो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया जाकर कर लेना, इसके अंदर आपको पिक्सल वर्ड्स का एक बड़ा प्रोजेक्ट शेयर किया हूं दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपके बीच में एक प्रोजेक्ट और शेयर करने वाला हूं हैमस्टर, जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया जाकर कर लो, ये भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। और उसके साथ साथ दोस्तों सन वेब करके एक दोस्तों प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आया दोस्तों, नया आइस का न्यू फ्री माइनिंग एप्लीकेशन है, इसको भी जाकर ज्वाइन करो दोस्तों, ठीक है। सो गाइस, अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आई हो ना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।